हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। एनडीए से नाराज चल रहे रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और उनके नीति और नियत पर सवाल उठाए। उन्होंने नीतीश कुमार को शिक्षा पर खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो सीट शेयरिंग क्या, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या खिलवाड़ है शिक्षा के साथ, इस तरह का खिलवाड़ शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा किया होगा। बिल्कुल जो कुछ भी मैं कह रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी बातों में अगर कहीं कोई लेस मात्र भी कोई गलती कोई ढूंढकर बता दे, मैं सत्ताधारी दल को भी चुनौती देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं, अपने विभाग के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बैठाए और बैठा करके सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने खुली बहस करें। शिक्षा को लेकर हमने क्या किया, क्या हम करना चाहते हैं, उसको लेकर डिबेट करें। इस डिबेट में अगर थोड़ी गलती मेरी साबित हो गई तो सीट शेयरिंग की बात क्या मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं। जनता के लिए मन में दर्द है। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार पर बिहार की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और नीतीश कुमार के नालंदा मॉडल पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि नालंदा मॉडल बिहार की जनता और शिक्षकों के साथ छलावा है। एक उनकी ओर से जो दावा किया गया कि बिहार में कभी लालू जी का चरवाहा मॉडल होता था और आज नीतीश कुमार जी का नालंदा मॉडल है, अब यह क्या है नालंदा मॉडल मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए उनसे मैंने कुछ सवाल किया है, मैंने कहा है उनसे कि क्या है नालंदा मॉडल, बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या वही जहां के अधिकांश मास्टर साहब को 100 तक गिनती नहीं आती है, क्या वही है नालंदा मॉडल, जहाँ के जो शिक्षक वास्तव में कुछ पढ़ाने वाले हैं उनको अपने वेतन के लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दौर लगाना पड़ता है, क्या वही है नालंदा मॉडल नीतीश मॉडल, जिसमें पढ़ाई की जगह खिचड़ी बांटने के काम में मास्टर साहब लगे रहते हैं, क्या यही है नालंदा मॉडल, क्या यही है नालंदा मॉडल वर्तमान नालंदा मॉडल, जिसमें 0/100 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को टॉपर दिखाया जाता है, क्या यही है नालंदा मॉडल। अगर यही नालंदा मॉडल है माननीय मुख्यमंत्री जी तो यह नालंदा मॉडल ध्वस्त होना चाहिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस नालंदा मॉडल को ध्वस्त करेगी। हम चाहेंगे कि प्राचीन काल का जो नालंदा मॉडल था पूरे तौर पे आधुनिकता लिए हुए वही प्राचीन काल का नालंदा मॉडल फिर से आए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कुशवाहा ने कहा कि लालू जी के चारवाहा विद्यालय के नाम पर अब बिहार सरकार खुद को बचा नहीं सकती, क्योंकि अब नीतीश कुमार को अपने 15 साल के सुशासन का हिसाब देना होगा। लालू जी को बुरा कहने वाले नीतीश कुमार को बताना होगा कि क्या सचमुच सुशासन ले आए हैं। लालू जी का चरवाहा मॉडल कहके अब आप बच नहीं सकते। 15 साल में जो कुछ हुआ पहले हम लोग भी उसके खिलाफ थे, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से आगे खिलाफ में था उस समय, लेकिन आज अब सवाल लालू जी से कोई नहीं पूछेगा, पूछना भी नहीं चाहिए लोगों। आज तो 15 साल जो अब 15 साल वाले हैं, सवाल जनता इनसे करेगी। जनता इनसे अपेक्षा रखती थी कि सब चीजों का सॉल्यूशन निकले, विद्यालय ठीक से चले, अस्पताल ठीक से चले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बिहार की गरीब जनता पूछना चाहती है, जवाब दे। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। इसी कड़ी में औरंगाबाद के देवकुंड और नवादा में उपवास किया जाएगा जो कि 8 और 9 दिसंबर को होगा। हम आपको बता दें कि कुशवाहा ने बिहार की शिक्षा में सुधार के लिए 25 सूत्री मॉडल सुझाया था, जिसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।